एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन की एक्सरसाइज 13.3 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें हमने जो भी नीचे नंबर दिए गए उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद में उसको एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है उसमें भी लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, जैसे कोई भी वैल्यू देती है उसको 1000, 100, 1, 10 ऐसे चेंज करना, ठीक है। हम साथ में समझाते होंगे, उसको बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, देखो ये जितने भी डिजिट है उसका पहले नंबर 1 ले लेना है। यहाँ पर नंबर 1 ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, उसके बाद कितने डिजिट है पीछे, 1 को छोड़कर बाकी कितने डिजिट है, 1 के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 50 लगा देनी हमने, क्लियर। तो 5 डिजिट थे, 50, देन प्लस का साइन, उसके बाद 0 को भी हम साथ में ऐड करेंगे ताकि हमसे कुछ मिस ना हो जाए। सेकेंड डिजिट हमारा 0 है, तो 0 के बाद कितने डिजिट है, 0 के बाद हमारे पास 4 डिजिट, तो 40 लगानी है, 1, 2, 3, 4, देन प्लस, उसके बाद थर्ड डिजिट है हमारे पास 4, 4 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देनी है, और फिर है 2, 2 के बाद 2 डिजिट है, 2 0, फिर है 7, 7 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, और 8 के बाद कोई 0 नहीं तो 8 को 8 ही लिखेंगे हम, ठीक है। ये तो होगी एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे हम पीछे भी करते आ रहे हैं कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अब हमने एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे होगा, जो भी फर्स्ट डिजिट है उसको उठा लो, इसका फर्स्ट डिजिट ये है 1, तो 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में 10 और इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, जितनी 0 है उतनी हमने पावर लगा देनी है, कितनी 0 है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, तो 50 तो 10 की पावर 5, प्लस 0, 0 भी लिखेंगे, 0 को 10 से मल्टीप्लाई, और 0 के बाद कितने डिजिट 0 लगी हुई है, 4, तो 4, देन 4, 4 के बाद कितनी 0 लगी है, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 10, और 10 के ऊपर ये वाले कितनी 0 है, 0 एक कम लगा दी, 4 के बाद 3 0 है ना, तो हमने यहाँ पर 2 ही लगाएंगे, यहाँ पर हम 3 लगाएंगे, ठीक है, आपने भी देख लेना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, तो प्लस में आगे डिजिट है हमारे पास 2, 2 के बाद कितनी 0 लगी है, मल्टीप्लाई में 10, 10 की पावर 2, प्लस में 7 लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी 0 है, 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस 8 मल्टीप्लाई में 10, 10 की 0 कितनी 0 है, 10 के साथ कोई 0 नहीं तो 10 की पावर 0, ठीक है, क्लियर। ये है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके अलावा आप एक स्टेप और आगे लिख सकते हो, जो भी 0 वाले डिजिट हम छोड़ देंगे, हम डायरेक्ट वो वाले उतार लेंगे, उतारना है ऐसे एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5, ये 0 है, 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आंसर रहेगा, इसको मिस ये हम छोड़ देंगे, इसको आगे वाला डिजिट लिख देंगे, जैसे आपकी बुक में आंसर दिए गए ऐसे आएगा, ठीक है। 0 वाले डिजिट हमने छोड़ देने हैं, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3, प्लस 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2, प्लस 7 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1, एंड प्लस 8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 0, ये हमारा लास्ट में आंसर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट सेम एज इट इज करना है, पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, पीछे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 0 लगा लेंगे हम, प्लस उसके बाद 0 है, 0 के बाद कितने डिजिट है, 3, तो 3 0 लगा देंगे, 1, 2, 3, ठीक है, फिर 0 है, फिर 0 लिखेंगे, और कितने 0 के बाद कितने डिजिट है, 2, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे, प्लस 6 के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 लगाएंगे, 8 के बाद कितने डिजिट है, तो कोई नहीं, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में 10, 10 में कितनी 0 है यहाँ पर, 4, तो 4 पावर 4, देन 0 मल्टीप्लाई में 10 कितनी 0 है, 0, 1 जो 0 हमने यहाँ पर उतार ली, बाकी कितनी बचती है, 3, तो 3, ठीक है, फिर 0, 0 मल्टीप्लाई में 10 की पावर, जहां पर 1 0 ये थी, ये उन्हें उतार लिया, 2 0 रह गया, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी 0 है, 1, तो 1, प्लस 8 में कितनी है, 8 के साथ कोई भी 0 ने लिखी, तो 10 की पावर 0 लिखी, ठीक है, ये हो गया। अभी एक स्टेप क्या और है कि हम जो भी 0 वाले जिसके हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमने डिजिट छोड़ देनी है, ठीक है, वो हमने पार्ट 10 की पावर 4, ये 0 वाला ये भी छोड़ दो, प्लस लिखेंगे ना, ये भी 0 वाला ये भी छोड़ दो, ये वाला रह गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1, प्लस 8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 0, ये हमारा फाइनल आंसर है, आपकी बुक में भी यही आंसर है, आप यहां तक करोगे ये भी सही है, ठीक है,
मगर आपने ऐसे ही कर लोगे तो वो आपका बुक के साथ आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट सेम करेंगे एज इट इज। वन वन के बाद कितने डिजिट है, थ्री टू थ्री फोर फाइव, तो 50, 2135 प्लस टू के बाद 40 प्लस फिर है 0, 0 के बाद 30 प्लस 7 के बाद दो डिजिट है तो 20 प्लस 1 के बाद एक डिजिट है तो 10 प्लस 9 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो 9 को एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर, ये कितनी जीरो थी, 3 और 2 5, 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 10, लिखना हमने मल्टीप्लाई में 10 है, पहले डिजिट उतार लेना उसके बाद मल्टीप्लाई 10, 0 कितनी है 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3, 7 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2, 0 2, 10 मल्टीप्लाई में सॉरी 1 यहाँ पर आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1 और प्लस 9 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 0, ठीक है 10 की पावर, क्योंकि 9 के साथ कोई भी 0 नहीं लेंगे तो 10 की पावर 0। अब हम यहाँ से जीरो वाले जो जीरो वाली है टर्म्स है उसको हटा देंगे तो 1 हमारा आंसर होगा 1 मल्टीप्लाई, ठीक है 10, और जीरो वाला ये छोड़ देंगे नेक्स्ट वाला कर लेंगे, ठीक है 1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 0, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है 3 कितने डिजिट है लास्ट में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, 6 0, 1 2 3 4 5 6 प्लस 0, 0 के बाद कितने आएंगे फिर 5, 1 2 3 4 5 फिर 0 है तीसरे नंबर पे, 0 कितने डिजिट आएंगे, 0 के बाद है 4, 1 2 3 4 प्लस में 6 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0, 1 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 प्लस 9 के बाद एक डिजिट है तो 10 प्लस में 4 के बाद कोई डिजिट नहीं तो 4 का एज इट इज। अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे मतलब मल्टीप्लाई 10, ठीक है फर्स्ट डिजिट सबके उतार लेना और मल्टीप्लाई 10 कर लेना, ठीक है आप अगर नहीं ऐसे, हाँ ऐसे हो गया, उसके बाद कितने जीरो थी ये, 2 3 और 3 6, ठीक है 10 की पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई में 10, 10 की पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 4 के साथ कोई नहीं है तो 10 की पावर 0। नेक्स्ट करेंगे जो भी जीरो वाले डिजिट है उसको छोड़ देंगे, 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, ये जीरो वाला ये वाला डिजिट छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 0, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा चल जाना है इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 लिखे पहला डिजिट लिख लिया, बाद में कितने डिजिट है पीछे, 2 के बाद है 2 और 2 4 6 एंड 1 7, तो 7 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 0 देन प्लस का साइन, फिर 8 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 2 2 4 एंड 2 6, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 0 के बाद 5 0 3 4 5 फिर है 6, 6 के बाद है 4 0, 1 2 3 4, 1 के बाद है 3 0 प्लस 9 के बाद है 2 0 एंड यहीं पर लिख लेते हैं, प्लस 0 के बाद 10 तो 20 लगा देंगे, 6 के बाद कोई 0 नहीं तो इसको एज एड यहीं पर छोड़ देंगे एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, तो ये कितनी टोटल 0 थी, ये टोटल 0 थी 7, तो 7 लगा लेंगे प्लस में 8 मल्टीप्लाई में 10, ये थी हमारे पास 6 0 प्लस में 0 मल्टीप्लाई में 10, ये वाली टोटल 0 थी 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 यहाँ पर है प्लस 0 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 के अलावा कोई 0 नहीं तो 10 की पावर 0। लास्ट में हम जो भी 0 वाले डिजिट है उसको छोड़ देंगे बाकी आंसर ले देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 7, तो सेकेंड वाला ये है, 8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 ये 0 है, 0 वाला डिजिट हम छोड़ देंगे, ये 6 6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4
वन मल्टीप्लाई में टेन की पावर थ्री प्लस नाइन मल्टीप्लाई में टेन की पावर टू, देन ये वाला जीरो है इसको भी छोड़ देंगे, सिक्स मल्टीप्लाई में टेन की पावर जीरो, ये है हमारा आंसर। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर वन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका हमने नंबर बताना है, जैसे यहां पर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म बताई है इसकी, ठीक है, यहां पर ये वाला नंबर हमने निकालना है। अभी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दी गई है, ठीक है, इसका हमने नंबर निकालना है जो होता है। ठीक है, तो देखो फोर, सबसे पहले क्या करेंगे, सेम स्टेप, यहां पर हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे फोर पहला डिजिट उतारेंगे, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ ना तो टेन की पावर, यहां पर हमने मल्टीप्लाई नहीं लिखना, ठीक है, सॉरी, देखो पहला डिजिट उतार ले, बाद में फोर की पावर, टेन की पावर फोर है तो इट मीन्स फोर जीरो, जितनी पावर है उतनी इतनी जीरो लगा देनी हमने। ठीक है, सेवन, सेवन के साथ यहाँ पर टेन की पावर थ्री, मतलब थ्री जीरो लगानी है, वन टू थ्री, फाइव, फाइव के पास यहाँ पर टेन की पावर टू है तो टू जीरो, नेक्स्ट सिक्स डिजिट उतारेंगे, टेन की पावर एक है तो एक जीरो, वन, वन के साथ टेन की पावर जीरो है तो यहीं छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमने काउंट करने हैं नंबर, ये आपने ध्यान रखना है, अभी किसको ऐसे ही एज इट इज अपने आंसर नहीं लिखना, ठीक है, अभी हमने क्या करना है इसके, ये नहीं है आपने फर्स्ट, आपने ये नहीं करना है कि फर्स्ट फर्स्ट डिजिट सबके उठा के लिख देना है, कई बार तो क्या होता है आंसर सही आ जाता है मगर कई बार क्या होता है मिस हो जाते हैं कुछ मिस, यहाँ पर देखो ये तो सही है सारे, जीरो वन टू थ्री फोर, यहाँ तो आपका आंसर, यहाँ फर्स्ट डिजिट उतारोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, मगर कई बार क्या होता है, कई बार लिखा होता है हमें जैसे फोर की पावर या थ्री वाली पावर में दी नहीं जाती, तो हम वहां कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला भी जो भी हमें फर्स्ट डिजिट दिया गया था उसको आपने याद काउंट कर लेना, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव हमारे आंसर, हमारे टोटल नंबर कितने होंगे फाइव, तो आप ऐसे ना साइड पे कर लेना, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कर लिया, अभी पीछे से काउंट करनी है, अभी आगे से काउंट नहीं करनी, आगे से नहीं लिखना, लास्ट डिजिट वन है, वन के बाद सेकंड नंबर पे क्या है, वन टू सिक्स, वन टू थ्री फाइव, वन टू थ्री फोर सेवन में, और वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव नंबर पे हमारा फोर, तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो है फोर सेवन फाइव सिक्स वन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ तो हमारा पूरा एज इट इज आ गया, जहाँ भी एक फोर है सेवन है फिर फाइव है सिक्स है वन, मगर कई बार कुछ डिजिट जो होते हैं यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग होती है तो हमारा आंसर में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, तो आपने ऐसे ही करना है आंसर। ठीक है, आप सेकंड में देख लो आप कैसे करना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले करना थ्री टेन की पावर फोर, तो फोर जीरो लगा देनी है, ठीक है, प्लस सेवन, सेवन के बाद टेन की पावर टू है तो टू जीरो, फाइव की पावर क्या है जीरो है, टेन की पावर फाइव में पावर टेन की पावर जीरो है तो फाइव को एज इट इज। अभी हमने क्या करना है, देखो वन टू फर्स्ट जो डिजिट है उसको काउंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव है यहाँ पर, आप फाइव बना लो, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव आपने ऐसे प्लेसेस बना लिए, तो लास्ट पीछे शुरू करेंगे। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास फाइव नंबर नहीं है मगर हमने आंसर फाइव में देना है, तो कैसे देंगे, देखो ये फाइव है तो पहले नंबर पे फाइव, यहां से काउंट करो अभी वन टू, दूसरे नंबर पर क्या आता है क्योंकि यहाँ पर दूसरा नंबर नहीं दिया गया, तो तीसरे में से हम दूसरा निकाल लेंगे, वन टू, टू नंबर पर जीरो है तो जीरो, वन टू थ्री सेवन, अभी फोर नंबर किया है आगे, यहाँ पर तो फोर्थ नंबर नहीं है तो यहाँ पर मिलेगा हमें वन टू थ्री फोर, फोर में क्या है जीरो, देन फाइव भी यहीं से मिलेगा, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थ्री जीरो सेवन जीरो फाइव, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, फोर फाइव जीरो लगाएंगे, टू थ्री फोर फाइव प्लस फाइव के साथ थ्री जीरो लगाएंगे, टेन की पावर थ्री है तो थ्री जीरो, थ्री के साथ टू जीरो लगाएंगे टेन की पावर टू होने के कारण, ठीक है, प्लस टू की पावर के, टू के साथ जो टेन की पावर जीरो है तो टू के साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे। अभी आप फर्स्ट वाले डिजिट काउंट करो कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, पीछे से शुरू करेंगे टू, यहाँ पर टू नंबर के वाला डिजिट हमारे पास नहीं है तो इसको ही काउंट करते हैं, वन टू तो दूसरे नंबर पर जीरो, वन टू थ्री, थ्री नंबर पे आया है हमारा थ्री, तो वन टू थ्री फोर, फोर नंबर पे हमारा फाइव, एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी फाइव तक लेके जाना है हमें, वन यहाँ पर देखो पांचवी नंबर की प्लेसेस देख ली ना हमने, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव नंबर पे हमारे पास जीरो, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स नंबर पे फोर, तो हमारा जो लास्ट आंसर होगा वो होगा फोर जीरो फाइव थ्री जीरो टू, ये वाला आंसर लिखना हमने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट के साथ कैसे करेंगे,
10 के साथ 7 0, तो 7 0 लगा ली, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 10 के साथ 4 0, 3 के साथ 4 0, तो 1 2 3 4, 7 के साथ कितनी जीरो लगानी है, 3, 1 2 3, 5 के साथ 2 0, प्लस 8 के साथ 1 0। अभी हमने फर्स्ट जो है उसके काउंट कर लेते हैं, देखो ये जीरो कितनी थी हमारे पास, 7, और एक डिजिट ये है, तो टोटल नंबर आंसर कितने नंबर में आएगा, 8 नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 नंबर पर पीछे से आंसर शुरू करो। अभी देखो लास्ट में हमारे पास सिंगल वाली कोई वैल्यू है नहीं, तो हम यहीं से ले लेंगे, तो लास्ट में यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ये 1 1 2 2 नंबर की डिजिट की यहाँ से मिल जाएगी, तो 1 2 2 नंबर पर है 8, यहाँ पर 3 की, 1 2 3 3 नंबर पर है 5, और यहाँ से 4 मिल जाएगी, 4 नंबर पर क्या है, 1 2 3 4 5, 4 4 में क्या आएगा, 7, यहाँ पर 5 की देखो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे 3, यहाँ पर 5 6 की देखनी है अभी, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर 0 है, और 7 नंबर पे भी यहाँ, क्योंकि 7 नंबर हमें यहीं से मिलेगा, क्योंकि लग से तो हमें दिया नहीं गया, तो 7 नंबर पे भी 0 है, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 नंबर पर क्या है, 8 ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही है, तो हमारा आंसर है 8 0 0 3 7 5 8 0, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने ऐसी प्लेसेस कई बार तो आपको सही दिया जाता है कि आपको जी पावर्स से है, जैसे पीछे से काउंट, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें तो सारी पावर्स आ गई, मगर इसमें से आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे तो आपको अच्छे से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हमने एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म किया था, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने नंबर में कन्वर्ट किया, अब हमने इस बतानी है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो हम देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हमारे पास डेसिमल होता है, तो डेसिमल से आगे हमने मैं बताती हूँ, एक साइड पे एक एग्जांपल करा देती हूँ आपको फिर पता समझाने के लिए, ठीक है। तो एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें डेसिमल दिया जाता है, अगर किसी में जगह अगर भी हमें डेसिमल दिया है तो हम डेसिमल से आगे चलेंगे, मगर अगर नहीं डेसिमल दिया तो हम लास्ट में मानते हैं कि यहाँ पर डेसिमल है। ये डेसिमल हमेशा एक नंबर छोड़कर आगे आएगा, तो यहाँ पर 7 के बाद आपने डेसिमल लगा देना है। तो ये डेसिमल शिफ्ट होके कैसे आया, इतने स्टेप शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया ना, तो कितने स्टेप हो गया, तो यहाँ पर पहले आपने क्या करना, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना, जैसे 7 के बाद हमने एक डेसिमल लगा दिया, उसके बाद नॉन जीरो जो भी जीरो के अलावा अगर कोई भी डिजिट है तो उसको हमने उतार लेना, तो यहाँ पर नॉन जीरो कौन से है, 6 भी नॉन जीरो, 7 6 भी, 3 भी है, तो ये वाले ये दोनों उतार लिए। अभी आपने देखना है डेसिमल से आगे कितना शिफ्ट हुआ है, डेसिमल का इतना आ गया है, यहाँ डेसिमल था तो यहाँ आ चुका है, 1 2 3 4, 4 आ गया है, 4 स्टेप, तो मल्टीप्लाई में हमने 10 की पावर 4 कर देनी, क्लियर। अगर ये नहीं समझ आता तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ई वाला, ठीक है। अभी देखो अभी कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में क्या करना, ये पहला डिजिट उठाना है, उसके बाद हमने लगाना है पॉइंट, उसके बाद नॉन जीरो जितने भी है उसको हमने लिख लेना है 7 8, ये नॉन जीरो है। अभी आपने यहाँ पर हमें डेसिमल दिया नहीं गया, तो यहाँ पर हम डेसिमल मानते हैं, डेसिमल कहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ तक, अंदर वाले डिजिट काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4, तो 4 है 10 की पावर 4, तो ऐसे हमने करनी है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेना है, 3 के बाद एक पॉइंट लगा दिया, उसके बाद नॉन जीरो कौन से है, 43, तो 43 लिख लेंगे, उसके बाद हमने हमारे पास कोई नॉन जीरो नहीं, तो मल्टीप्लाई में 10 आपने लिख लेना है 10, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेसिमल नहीं था, तो यहाँ मानते हम यहाँ पर डेसिमल था, तो ये डेसिमल आपने पेंसिल से कर लो आप, ठीक है, बाद में उसको रेज कर देना, तो डेसिमल यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, तो कितने डिजिट आए अंदर, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर हम 5 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पर पहले 7 7 डिजिट लिखेंगे, तो 7 के बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद देखो हमारे पास कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो यहीं पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई में आप पॉइंट के बाद आप जीरो लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो पॉइंट लगा दिया, जीरो लिख देना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नॉन जीरो नहीं है, तो यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे, तो देखो 10, अभी सभी नॉन जीरो है, तो कितने है, 3 और 2 5 5 और 1 6, 10 की पावर 6, तो इसको हम ऐसे लेते हैं 7 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, ठीक है, क्योंकि 7 के बाद पॉइंट जीरो का मतलब ही होता, तो ये वाला आंसर है हमारा। नेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ पर कोई भी देखो, पहले सबसे पहले देखना है डेसिमल है या नहीं है, डेसिमल नहीं है तो या हो या ना हो आपने फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाने, जो भी फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो 3 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद नॉन जीरो कौन से है, 18 और 65, तो यहाँ पर लिखेंगे 18
65, देन मल्टीप्लाई में 10। अभी इसके बाद कितने, यह हमने देखना है, अभी आपने काउंट करना है, यहां पर है डेसिमल, ये डेसिमल यहां से लेकर यहां तक आया, यहां आया तो कितने डिजिट थे, 3 और 2 5, 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 9। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि 10 0 गिन लेनी है, आपने ध्यान रखना है डेसिमल जितना स्टेप पीछे शिफ्ट हुआ है उतनी हमने पावर्स लिखनी है। ठीक है, आप ऐसे जो एरो लगा रहे हो ना, ये पेंसिल से लगा लेना ताकि आपका वो खराब ना लगे, ठीक है, आपका आंसर सही सही लिखे। नेक्स्ट है, यहाँ पर पहला फर्स्ट डिजिट उतारेंगे, उसके बाद लिखेंगे पॉइंट, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं, यहाँ पर देखो नॉन जीरो 307, 307, यहाँ पर जीरो यही यहीं तक नहीं छोड़ देना है कि ये थ्री है, सेवन भी तो नॉन जीरो है, तो इस पूरा डिजिट लेंगे यहाँ पर 307, अगर जीरो बीच में आते तो उसको हमने बीच में ले लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ लिखेंगे 10, 10 के बाद अभी ये पॉइंट यहाँ था, पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, तो कितने आगे बीच में कितने डिजिट है, 2, तो 10 की पावर 2। ठीक है, बस आपने याद रखना है कि जीरो जहाँ, अगर जीरो बिल्कुल जीरो के आगे आगे डिजिट है तो जीरो हमने बीच इनकुल गुड करनी है यहाँ पर, ये आंसर है। नेक्स्ट है, सबसे पहले डिजिट उतारेंगे 5, फिर पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद नॉन डिजिट काउंट, नॉन जीरो डिजिट सभी हैं तो सभी उतारेंगे 9853, मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी लिखनी है, ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक गया, कितने बीच है, 3, तो 3, 10, 10 की पावर 3। नेक्स्ट हमारा सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में सबसे पहले फर्स्ट डिजिट उतारेंगे 3, पॉइंट, फिर नॉन जीरो, सभी डिजिट नॉन जीरो है क्योंकि ये जीरो बीच में आती है, अगर पीछे जीरो जीरो जो आती है जाती है फिर वहीं हम छोड़ेंगे, यहाँ पर नॉन जीरो नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पर है तो जीरो मगर हमने बीच में लिखनी है ये भी 90878 मल्टीप्लाई में 10। अभी पॉइंट हमारे पास दिया गया है, पॉइंट दिया गया ना, पीछे से काउंट नहीं करना, ये पॉइंट यहाँ से लेकर 3 तक, 3 के पीछे पीछे 2 है तो बीच में 3 डिजिट है, तो 10 की पावर 3, ये आंसर है हमारा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, इसमें आपको स्टेटमेंट का कुछ नहीं करना, हमने जस्ट जो नंबर है उसको देखना है, नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जैसे हमने पीछे किया, तो नंबर हमारे पास देखो कौन सा है, 384000, 3 जीरो है, अभी 3 जीरो, ये भी 3 जीरो है, ठीक है, पीछे मीटर है, अभी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना तो क्या करेंगे, 3, एक पॉइंट के बाद हमने पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, उसके बाद नॉन जीरो कौन से हैं, 8 और 4, तो 8 और 4 मल्टीप्लाई में 10, 10 के बाद ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट हमने मानना है यहां से है, क्योंकि जब पॉइंट नहीं है तो लास्ट में लिखते हैं, पॉइंट से लेकर यहां तक आ चुके हैं, तो कितने डिजिट है, 3 और 3 6 7 8, तो 10 की पावर 8, और मीटर है लास्ट में तो मीटर लिख देंगे आंसर, ये आंसर है। इस पे स्टेटमेंट को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर देखो, नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिट जो है वो है 127 56, फिर 3 जीरो मीटर, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, 1 के बाद लगाएंगे पॉइंट, नॉन जीरो डिजिट उतारेंगे 27 56, ठीक है 56 आ गया, फिर मल्टीप्लाई में 10 की पावर, ये पॉइंट यहाँ पर कोई भी जीरो पॉइंट नहीं लगा हुआ तो हम पीछे मानेंगे, पीछे से लेके यहाँ तक आया तो यहाँ से हम काउंट कर लेंगे 2 और 2 4 4 और 3 7, 10 की पावर 7, लास्ट में मीटर ले देंगे। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये डिजिट दिया गया हमें, ठीक है, तो यहाँ मैंने ये सारी डिजिट उतार ली है, इसको लिखेंगे 1, पहले डिजिट के बाद लगाएंगे पॉइंट, उसके बाद कोई नॉन जीरो के आए, कल अकेला 4 है तो 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 10 की पावर, 3 और 3 6 6 और 3, यहाँ पर देखो पॉइंट नहीं तो हम लास्ट में मानते हैं पॉइंट, 3 और 3 6 6 और 3 9, तो 10 की पावर 9, यहाँ पर हमारा आंसर मीटर में आएगा तो यहाँ पर मीटर भी लिख देना। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू बहुत बड़ी दी गई है, ठीक है ना, तो इसको हम पहले डिजिट ये उतार ले, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू उतार ली है, ये ईयर्स में है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट, उसके बाद नॉन जीरो क्या है, ओनली 2 है तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितना आएगा, कोई हमारे पास डेसिमल नहीं था तो लास्ट में मानेंगे, यहाँ पर मान लो डेसिमल था तो यहाँ पर आ गया, कितनी है, कितनी आगे आया है ये देखो, 3 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 1 10, तो 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 ईयर्स। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखो डिजिट बहुत, मतलब ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा दिया गया है, तो हम यहाँ पर तो लास्ट वाला हमने डिजिट सारा एक साथ उतार लिया, तो केलोग्राम में जो आंसर दिया है उसको हमने लिखना है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट उतारेंगे, उसके बाद लगाएंगे पॉइंट,
नेक्स्ट हमने नॉन जीरो देखे, नॉन जीरो हमारे पास 6 और 8 ही है, तो 6 एंड 8 कोई और बाकी सारी जीरो है, तो इसको मल्टीप्लाई में 10 कर लेंगे। अब 10 की पावर देखनी है हमें कितनी आनी है, तो यहाँ से पीछे काउंट कर लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट छोड़कर, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास पेंट पॉइंट नहीं था तो ये वाला डिजिट छोड़कर बाकी सारे डिजिट हमने काउंट कर लेने, क्योंकि 8 के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो यहाँ तक 8 को नहीं गिनेंगे, बाकी सारे गिन लेंगे। ठीक है, थ्री थ्री देखो कितनी है ये, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 8, 8 3 हजार कितना होता है, क्योंकि 3 3 का ग्रुप बनाया था, तो 8 3 हजार 24, 24 और 1 5, 25, 10 की पावर 25, 8.68 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 25 kg हमारा आंसर है। आपकी बुक में आंसर आई थिंक 28 दिया गया है, वो आपका रॉन्ग है, आपने 25 लिखना है क्योंकि आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, यहाँ तक हमें एकल नंबर दिया गया, ये वाला नंबर, इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, जब भी हमें ऐसे कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी नंबर दिया गया है तो उसको कंपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले हम 10 की पावर देखेंगे, 10 की पावर यहाँ पर 14 है, यहाँ पर है 17, जो इसकी पावर बड़ी होगी वो वाला डिजिट क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर 10 की पावर 14 है, यहाँ पर 10 की पावर 17 है, तो कौन सी बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये वाली वैल्यू लिख देना, 3.01 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 17 इज ग्रेटर। और आप और कैसे लिख सकते हो, दोनों डिजिट उतारो, 4.3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 14, यहाँ पर लिखो 3.01 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 17, तो ग्रेटर कौन सा है, ये वाला ग्रेटर है, जो भी ग्रेटर होता है उसकी तरफ हम ऐसे मुंह खोल देते हैं, तो ये वाला आंसर। अगर इतना भी लिख के स्टोर दोगे तो ये भी सही है, अगर आपने दोनों लिखने, दोनों स्टेप लिखने हैं तो दोनों भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब मैंने बोला था आपको पीछे कि 10 की पावर देखनी है, मगर यहाँ पर देखो 10 की पावर 12, यहाँ पर भी 10 की पावर 12, 12 मतलब जो पावर है वो सेम आ गई 10 की, तो हम कैसे करेंगे, तो हम जब ये दोनों सेम आ जाती है तो हमने आगे वाले डिजिट चेक करेंगे, यहाँ पर देखो 0.1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, तो 4 है 4 है, देन 3 है, सेकेंड नंबर पर यहाँ भेज दिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 9 बड़ा होता है 3 से, तो कौन सी वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू उतार दिया कि ये वाली वैल्यू 1.439 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 12 इज ग्रेटर, और क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज पहले लिखेंगे 1.439 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 12, यहाँ पर लिखे 1.4335 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 12, तो कौन सी वाली बड़ी थी, ये वाली वैल्यू बड़ी थी, जो भी वाली बड़ी वैल्यू होती है उसकी तरफ हम ऐसे मुंह खोल देंगे। ठीक है, तो ये आंसर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.13.3 भी कंप्लीट होती है और आपका चैप्टर भी 13 कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।